Hello students, today is my second class of science and we will discuss lesson 2 plants around us. ठीक है, आज यह साइंस का दूसरा क्लास है मेरा और इसमें हम लोग पार्ट 2 लेसन 2 प्लांट्स अराउंड अस, इसमें हम कितने तरह के प्लांट्स हमारे आसपास हैं हम उनको पढ़ेंगे. प्लांट्स की कितनी कैटेगरी है और किन किन ग्रुप्स में बांटा गया है उनके सारे कैरेक्टर्स देखेंगे. तो एक बार हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट चैप्टर जो था लिविंग नॉन लिविंग, उसमें हम लोग लिविंग नॉन लिविंग मैनमेड और नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़े थे. लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स एक बार रिकॉल कर लें. इट नीड फूड एंड वाटर, इट रेस्पायर, मूव, ग्रो, फील एंड रिप्रोड्यूस, ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर हैं. नॉन लिविंग में ये कोई भी बातें नहीं पाई जाती है. एंड द थिंग्स नॉट मेड बाय मैन इज नोन एज नेचुरल थिंग्स, जैसे रॉक, क्लाउड्स एटसेट्रा, सन. और जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर और भी आप तमाम चीजें जो देखते हैं, उसको मैन मेड थिंग्स कहते हैं. ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं. तो आज हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो एज पर द टाइप्स हमने प्लांट्स को तीन भागों में बांटा. प्लांट्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. पहला बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, थिन एंड लॉन्ग, और यू कैन से टॉल प्लांट्स. यहां मैंने सिर्फ तीन कैटेगरी को लिखा है लेकिन लिखा है पांच टाइप्स. अब बिग प्लांट्स को ट्री कहते हैं, एक एक करके कैरेक्टर्स को देखेंगे. स्मॉल प्लांट्स में श्रब्स एंड हर्ब्स, एंड थिन एंड लॉन्ग और यू कैन से टॉल प्लांट्स में क्लिम्बर एंड क्रीपर. तो इन दिस वे वी विल स्टडी टुडे फाइव टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अब आप देखिए जरा बिग प्लांट्स. बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा. बड़ा है कोई भी चीज तो उसको बिग कहते हैं. अब बिग प्लांट्स के बारे में जरा देख लेंगे. टॉल, लंबा एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है. आम का पेड़ जैसे आपने देखा होगा, गुलमोहर का पेड़ देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा है, नारियल का पेड़ देखा है, तो ये क्या कहलाते हैं, बिग प्लांट्स दैट इज नोन एज ट्री. बड़े प्लांट्स को क्या कहते हैं, ट्री. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स यहां देख लीजिए. कोकोनट, पाम, बनियान, मैंगो, और इनके कैरेक्टर्स जो है वो याद रखिएगा. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ग्रो स्ट्रेट. कभी कभी क्या होता है कि यह सीधा ग्रो करता है, जैसे कोकोनट का पेड़. एंड देन इट स्प्रेड आउट, उसके बाद जाकर के वह फैलता है. ठीक है, अब चलिए स्मॉल प्लांट्स के बारे में. यहां मैंने दो टर्म्स लिखा है, शब्स एंड हर्ब्स. ठीक है, स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, यह छोटा है लेकिन यह थोड़ा मजबूत है. इसको कहते हैं श्रब्स, जैसे रोज का प्लांट देखा होगा, गुलाब का प्लांट पौधा. ठीक है, इसी में कुछ पौधे छोटे होते हैं लेकिन बहुत कमजोर होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हर्ब्स. आप नाम को अच्छी तरह से याद करिएगा. ठीक है, और जितनी तरह के घास हैं, घास, पुदीना, ये सारे क्या है, आप देखिए इनको, ग्रासेस, घास का एक ले लीजिए और पुदीने का एक आप देखिए पौधे को कैसा है, छोटा भी है और कमजोर भी है. ठीक है, छोटा भी है और कमजोर भी है, कंपैरिजन टू मैंगो एंड अदर्स. आप देख रहे हैं कहां आम का पेड़ है, कहां एक घास या पुदीने का, तो देख लीजिए क्या अंतर है. अब चलिए थिन एंड लॉन्ग और यू कैन से टॉल प्लांट्स. अब थिन पतला एंड वीक कमजोर, एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. जो पौधा, पौधे की वह कैटेगरी या वह वैरायटी जो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है, उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत है. नीड सपोर्ट टू स्टैंड, इसको क्या कहते हैं, क्लिम्बर, जैसे ग्रेपवाइन.
एंड प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और कुछ पौधे को देखा होगा कि जमीन के सरफेस पर यह ग्रो करता है, जैसे आपने परवल का पौधा देखा होगा, मस्क मेलन है, वाटर मेलन है, ये सारे चीजों को आप देखिए। अभी इसका सीजन भी है, आपको ये इस तरह के देखने के लिए मिल जाएंगे, रेतीले जगह पर होते हैं। तो वैसा पौधा, फिर से ध्यान दीजिए, थीन एंड लॉन्ग, और यू कैन से टॉल प्लांट, लॉन्ग और टॉल कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसकी दो कैटेगरी है, बिग प्लांट्स का कोई कैटेगरी नहीं, वो सिर्फ लंबे मजबूत तने मोटे वो पेड़ ट्री। स्मॉल प्लांट्स की दो वैरायटी, श्रब्स एंड हर्ब्स। श्रब्स में स्मॉल तो है लेकिन वह स्ट्रॉन्ग है, और स्मॉल और वीक जो हर्ब्स, ग्रासेस, मिंट, पुदीना, ये सारे क्या कहलाते हैं, हर्ब्स। अब इसमें थीन एंड लॉन्ग में भी दो कैटेगरी, क्लिम्बर एंड क्रीपर। तो क्लिम्बर का मतलब वैसे पौधे जिनको एक सपोर्ट की जरूरत है अपने आप को खड़े होने के लिए, तो उनको कहेंगे क्लिम्बर। एंड प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो जमीन पर ही फैलता है, ग्रो करता है, उसको कहेंगे क्रीपर, जैसे पंपकिन। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स को पहले तीन भागों में बांटा, फिर उसको हम पांच प्रकार में दिखाया, ट्री, सर्स, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर एंड क्रीपर। फिर से याद करिए, बिग प्लांट ट्री, स्मॉल प्लांट श्रब्स एंड हर्ब्स, थीन एंड लॉन्ग प्लांट क्लिम्बर एंड क्रीपर। सबके कैरेक्टर्स लिख लेना है जो भी ब्लैक बोर्ड पर है, बिल्कुल कंसंट्रेट करिए, नाउ टेक आउट योर कॉपी एंड पेंसिल एंड नोट डाउन ऑल द प्लांट्स वैरायटी एग्जांपल्स एंड इट्स कैरेक्टर्स। अब थोड़ी सी बातें और आपको बतानी है, जो आप ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक पौधे के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके पार्ट्स मेनली मैं बता दूं, रूट, स्टेम, उसके बाद ब्रांच, लीफ, फ्लावर, बड, फ्लावर, फ्रूट्स। फिर से रिकॉल करिए, रूट्स, स्टेम, ब्रांच, लीफ, किसी किसी पेड़ में थॉर्न कांटे, उसके बाद बड, फ्लावर, फ्रूट्स। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, समझ गए, याद कर लीजिएगा इसको। और एक छोटी सी बात और बतानी है कि हाउ डू प्लांट्स ग्रो, अभी मैं आपको दिखाती हूं पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स। अब ये लास्ट जो आपका पोर्शन है कि हाउ डू प्लांट्स ग्रो, पौधे कैसे ग्रो करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। प्लांट्स फॉर्म बड, सबसे पहले वो बड बनाता है, ए बड ब्लूम्स इनटू ए फ्लावर, अब वह बड जो है वह खिल करके फूल बनता है, द फ्लावर टर्न्स इनटू ए फ्रूट, फ्लावर किसमें बदलता है, फ्रूट में, फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट, फल में क्या है, बीज इसके अंदर रहता है, ए सीड इज सोन इन द ग्राउंड, और उस बीज को हम मिट्टी में बोते हैं, द सीड नीड्स, अब वो बीज को पौधा बनने के लिए क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, सनलाइट, वाटर एंड एयर टू स्प्राउट, अंकुरित होने के लिए उसको चाहिए सनलाइट, वाटर एंड एयर, सून ए प्लांट ग्रोज फ्रॉम द सीड, और बहुत जल्दी बीज से पौधा बन जाता है। समझ में आने बातें, एक बार रिकॉल कर लीजिए इसको, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को मैं लिख भी देती हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है, रूट, बना ही देती हूं मैं डायग्राम जरा सा, यहां देख लीजिए, यह सॉइल है मिट्टी के अंदर, दिस पार्ट इज रूट, यह प्लांट का क्या है, यह हो गया मेन, स्टेम,
इससे ये ब्रांचेज निकले, ये ब्रांचेज निकले, ब्रांचेज ब्रांचेज, उसके बाद ये पत्तियां, फ्लावर, ये यहां देख लीजिए, ये बड, और यहां मैं एक और बना देती हूं, ये आप देख लीजिए, ये है बैंगन ब्रिंजल। तो ये क्या हो गया लीफ, ये क्या हो गया फ्रूट, ये क्या हो गया फ्लावर, दिस इज बर्ड। ठीक है, तो क्या क्या आप देख रहे हैं, अब मैं इसको इधर से लिख देती हूं फिर से, क्या क्या पार्ट्स हो गए, रूट्स, स्टेम लिख लें आप भी साथ साथ, स्टेम, ब्रांच, लीफ, थॉर्न, किसी किसी में कांटे भी होते हैं इस तरह से निकले, रोज में जैसे आपने देखा होगा थॉर्न कांटा, थॉर्न, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट्स, फ्रूट। अब इसको फिर से रिकॉल कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, रूट्स, स्टेम, ब्रांच, लीफ, थॉर्न, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट, दीज आर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। दिख रहा है सबको, समझ में आ रही बातें? चलिए अब थोड़ी सी चर्चा मुझे और करनी है कि कैसे प्लांट्स ग्रो किया, तो उसको मैं आपको बता दूं। प्लांट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा मैं बता रही हूं, प्लांट्स या क्या करता है फॉर्म बर्ड, ठीक है, बर्ड से क्या बन गया फ्लावर, फ्लावर से क्या बन गया फ्रूट, फ्रूट के अंदर क्या है सीड, ठीक है, और ये फ्रूट से, फ्रूट के अंदर जो सीड है उसको कहां दिया हमने सॉइल में, सॉइल, सॉइल में दिया, उसके बाद इसको क्या क्या चाहिए सनलाइट, सनलाइट, वाटर एंड एयर, क्या होगा उसके बाद यह स्प्राउट अंकुरित होगा, उसके बाद यह बहुत जल्दी ही प्लांट बन जाएगा। अब जैसे बर्ड को आप बना लीजिए इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम, बर्ड, और यह एक बर्ड हो गया, ये यहां ऐसे प्लांट, छोटा सा प्लांट बन गया। तो आप देख रहे हैं ये प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, समझ में आ रही बात है? आप इसको अच्छी तरह से लिख लें। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि प्लांट्स कितने तरह के हैं, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्लिम्बर, क्रीपर, फिर हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के कितने पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ, थॉर्न, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, और एक पौधा कैसे ग्रो करता है, हाउ टू प्लांट्स ग्रो। तो यहां पर आपने देख लिया प्लांट फॉर्म बर्ड, बर्ड से फ्लावर बना, फ्लावर से फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड है जो कि जमीन पे बोया गया और
इनको सनलाइट, वाटर और एयर चाहिए, स्प्राउट होकर के ये प्लांट्स बना देते हैं। इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको दिखाना चाह रही हूं, तो आप वो देख लें और आप विदाउट फेल आप इमीडिएट होमवर्क में सारे क्वेश्चंस को कर डालिए। एक बार पहले मैं आपको दिखा दूं कि प्लांट्स के सारे पार्ट्स जो आपके बुक में दिया गया है वो आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से देखना है सबको। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूं। नीचे से शुरू करिए, टेस्ट योर लर्निंग, यहां से इस पोर्शन से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब आपको और मैं थोड़ा सा वर्क दे देती हूँ। चलिए, बहुत ही कम वर्क है, बस इतना ही है। दोनों पेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसको लिख डालिए, फिर मैं आपको अलग से क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, चलिए इतना आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स एज फूड। ओके, बाय।